हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्यूज फैमिली। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 3 प्रोडक्ट्स का रिव्यू। सो ये एम कैफीन के प्रोडक्ट्स है, शैम्पू, हेयर स्क्रब एंड ऑयल। सो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, आज मैं आपसे वही शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। सो मुझे ये ट्रायल प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, मैंने एम कैफीन का स्क्रब खरीदा था, उस पर मुझे ये ट्रायल प्रोडक्ट रिसीव हुआ कुछ इस तरह के पाउच में। इसमें आपको कॉफ़ी स्क्रब एंड ऑयल प्लस शैम्पू मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सामान परचेज तो कर लेते हैं, बट बाद में हमें उस चीज़ की रिग्रेट होती है कि क्यों इतना पैसा वेस्ट करके इतना फालतू प्रोडक्ट यूज़ किया। बट इन्होंने ये अच्छा किया कि इन्होंने ट्रायल प्रोडक्ट भेजा, अगर आपको अच्छा लगे देन आप फिर परचेज करो। सो मुझे ये स्क्रब काफ़ी पसंद आया एंड मैंने इसे यूज़ किया है, एंड आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस उसे शेयर करना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है एंड आप वर्थ इट है या नहीं, आप ख़रीद सकते हो या नहीं। बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके हेयर में जो डैंड्रफ्स होते हैं उसे ये अच्छे से रिमूव करता है, एंड ये आपके स्कैल्प को भी काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। एंड ये जो एम कैफीन का कॉफ़ी स्कैल्प स्क्रब है ये काफ़ी अच्छा है एंड वर्थ इट है। इसका प्राइस करीबन आपको 500 समथिंग है एंड आप इसे ख़रीद सकते हो और ट्राई कर सकते हो, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। सो ये है इसका ऑयल। सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी हार्ड कॉफ़ी की स्मेल आती है एंड ये आपके हेयर को काफ़ी अच्छे से नरिश करता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसने मेरे हेयर को काफ़ी अच्छे से नरिश किया एंड मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो एम कैफीन का जो शैम्पू है उसे मैंने यूज़ किया, बट वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ उसमें 2 प्रॉब्लम है। उसने मेरे हेयर को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर दिया, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है। बट अगर आप लोगों को पसंद है तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को पसंद आएगी, बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया और उसने मेरे हेयर को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर दिया। एंड मैं जो यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का, वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता स्कैल्प को एंड हेयर को। सो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। सो इस स्क्रब को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, चलिए इसका एक क्विक क्लिप देख लेते हैं। आपको स्कैल्प को थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपको स्क्रब यूज़ करना है।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।